नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टाइम में पाई जो है काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, ये आप सभी जानते ही हैं। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो है आपका केवाईसी का। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केवाईसी एक्चुअल में होता क्या है, इसका जो फुल मीनिंग होता है वो होता है नो योर कस्टमर, या फिर आप चाहो तो क्लाइंट भी बोल सकते हो। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो भी एप्लीकेशन है वो जिस भी देश में रह रहे हैं लोग, उनकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेती है और उसको वहाँ पर अटैच कर देती है, जिससे जो है प्रूव हो जाता है कि जो आदमी है वो एक्चुअल में रियल पर्सन है, कोई फेक आइडेंटिटी नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं केवाईसी। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों को केवाईसी में दिक्कत आ रहा होगा, और वो दिक्कत क्यों आ रहा है आज हम इसी चीज़ को वीडियो में जानेंगे। तो आप जो है बने रहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। तो सबसे पहले जो सबसे मेन मिस्टेक आप क्या करते हो कि आप जब डॉक्यूमेंट डालते हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, मोस्ट प्रॉबली जितने भी ऑडियंस अभी देख रहे होंगे वो इंडिया से ही होंगे, तो उनको क्या है ना कि जब भी आप फ़ोटो डालते हो, आपका जो सेल्फी रहता है वो आप कोशिश करो कि क्लियर रहे। आप किसी अच्छे फ़ोन में ही अगर कैप्चर करके अपलोड करेंगे तो वो जो है सही रहेगा। अब दूसरा चीज़ क्या होता है रिजेक्ट होने का कारण, वो रहता है आपका डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ का बात कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा जो मेन आइडेंटिटी प्रूफ में हम यूज करते हैं आधार कार्ड को। तो जब भी आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो आप ध्यान दें कि जो आधार कार्ड रहता है उसका जो चारों कॉर्नर है वो आपका क्लियर आए। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, या फिर पहले ही आप अपने कैमरे से कैप्चर कर लो, उसके बाद उसको क्रॉप करके यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो ये दो चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो है केवाईसी काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और रिजेक्ट होने का चांसेस ना के बराबर रहेगा, क्योंकि वैलिडेटर होने के नाते जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है आप जैसे लोगों का, तो मैच करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का कोई वैलिडेटर है तो उसके पास सिर्फ इंडिया के पियोनियर्स का ही रिक्वेस्ट आएगा, बाहर से भी जो है बाहर के जो लोग डालते हैं, जैसे एक लाइव वीडियो डालना होता है वो भी हमें दिखाई देता है, उनका जो डॉक्यूमेंट में फ़ोटो वो भी दिखाई देता है, सेल्फी डालते हैं वो भी दिखाई देता है। तो आप जब भी ये करते हो ना कि हाँ एक लाइव वीडियो मांग रहा है, कभी कभी लाइव मांग देता है, तो आप लाइव वीडियो बना रहे हो तो उसको आप फेस को अच्छे से दिए दिखाओ, क्लियर चारों तरफ एक बार फेस घुमाओ, हंसो, आँख ब्लिंक करो, ये सब करो। फ़ोटो खींचते हो ना तो एकदम सेंटर में ला के कोशिश करो कि जो सर्कल रहता है उसमें जो है आपका फ़ोटो आए, और डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हो तो चारों कॉर्नर जो है क्लियरली दिखना चाहिए। अगर आधार कार्ड है तो आप फ्रंट और बैक दोनों जो है क्लियर तरीके से डालो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका केवाईसी जो है रिजेक्ट नहीं होगा और जल्दी से जल्दी जो है वेरीफाई होने का चांसेस रहता है। एक बार अगर रिजेक्ट हो गया ना तो क्या होता है कि दोबारा जो है रिक्वेस्ट नहीं जाता वैलिडेटर के पास, बहुत समय बाद उनके पास जाता है, तब जाके उस रिक्वेस्ट को वो अप्रूव करते हैं। जैसा कि मेरे सामने आप देख सकते हो कि मेरा जो है टोटल 8 स्टेप तक कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है, वो है आपका माइग्रेट टू मेननेट। ये भी हो जाएगा कि जैसे कि मैंने इसको 3 साल के लिए लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन किया है, और ये चीज़ देखने लग रहेगा कि 3 साल जब होता है तो ये किस टाइप से माइग्रेट होता है। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गौरव कुमार मेहता का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh.